10,000 की नौकरी और दाम्पत्य जीवन की एक सफल रात वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काहे हतत होगा मतलब कुछ गड़बड़ी है क्या भाई यहाँ या इधर अच्छा 10,000 की नौकरी और दाम्पत्य जीवन की एक सफल रात वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस सफेद परिदृश्य में जो सात स्वतंत्र रंगों के हिंस मंथन से निकलता है आप देख रहे हैं कि यह एक पत्नी है सवेरे वाली गाड़ी जिससे छूट गई थी पूरा दिन इसने अभारतीय काम कल्पनाओं और बच्चे के सहारे काटा है और अब सूरज डूब रहा है सुबह जिनको जाते देखा था अब वे आते दिख रहे हैं खुशी खुशी धकियाते मुकियाते वे अपनी जमीनों और अपनी गलियों में उतर रहे हैं पति भी आ रहा है उसकी कहानी उसकी कुहनी खंजर है और पीठ ढाल लेकिन यह तो रोज ही होता है इसके अलावा आज उसके हाथ में एक तरबूज भी है गर्मियों का फल जो शीतलता देता है लेकिन सिर्फ यही नहीं आज उसके पास कुछ और भी है आहा पत्नी के प्रेमियों से आज वह जरा भी नहीं डरा शनिवार की छुट्टी वाले सारे उसकी बगल से सिर झुकाए गुजर गए वह भी जिसके बिना मुन्ना एक पल नहीं रहता बरसों की सोई भावनाओं की तरह रात जाग रही है और नींद में छेड़े सांप की तरह कुंडली कस रही है पत्नी जैसा कि आप देख ही चुके हैं अभी खूंटा तोड़ाने पर आमदा थी धीरे धीरे लौट रही है हवा में मारे गए मुर्गे के पंख एक एक कर एक तह में उतरते जाते हैं हर रोज यह पिछले रोज से एक फुट ऊंचा उड़ता है और मारा जाता है अगले दिन फिर उड़ता है और फिर मारा जाता है पति आज टहल नहीं रहा है बैठा घूरता है देखो उसकी नंगी जांघों पर तरबूज है और हाथ में चाकू आंखों में अकाट्य आमंत्रण जिनके पूर्वजों ने हजार साल त्राटक किया हो यह उनकी थाती है इस युग में यह हमारे इनके हिस्से में आई है संकुचित सलज और विद्ध नारी आखिरी सीढ़ी पर आकर बैठती है वह कंघी से पाप गुहार रही है जिन्हें उसने दिन भर सोच सोच अर्जित किया था पूर्णिमा का चांद शहर की छत पर कुम्हार के चाक की तरह घूम रहा है झूं 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 घूमता चांद पति की आदिम इच्छाओं का हमेशा से ईंधन रहा है स्त्री के भीतर चांदनी का ज्वार है स्वच्छ धवल शुभ्र पातिव्रत का कीटाणुनाशक फेन उसकी देह के किनारों से फकफका कर उड़ रहा है जैसे हांडी से दाल पुरुष चखता है और चांद को संबोधित कर कहता है शुक्रिया दिल्ली कहीं बहुत दूर कुछ गरज रहा है मगर यहाँ शांति है बहुत तेज लहरें हैं और शीशे की भारी पेंदे वाली नाव धीरे धीरे डोल रही है हवा के खसखसी पर्दे में एक कहानी बूंद बूंद उतर रही है यह पुरुष की विजय गाथा है पिघले मोम की तरह वह ठमक ठमक कर स्त्री की देह के कालीन में जज्ब होती जाती है और तनख्वाह 10,000 मंजू मुझे यकीन था है और रहेगा एक फ्रिज और एक कूलर का अभाव और दिल्ली हमारे प्यार को नहीं खा सकते जब तक मैं हूँ झूं 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 चांद ने चक्कर काटे चील की तरह आकाश में पहुंची और बगुले की तरह हौले हौले उतरी स्त्री के ऊपर यह हुंकार नंगे गुलाबी गोश्त से बिल्ली का नवजात बच्चा जैसे सांस लेता है वैसे ही पत्नी इसे रोम छिद्रों से ग्रहण करती है नाक कान और आंख जीवन की जरूरतों के मुकाबले ये कितनी अधूरी चीजें हैं वह कहती है और खुल जाती है सफल पति का प्यार तानों भरे आसमान में मस्त अपने आप से वह कहती है सचमुच इस कालातीत अनुभव के लिए शब्द नहीं है मेरे पास मित्रों पूरब में लाल पौ फट रही है और दिलों में दो दो नई हरी पत्तियां सशंक उठ खड़ी हुई हैं सारा जगत अवसन्न पड़ा है पुरुष सूरज के गोले को चाकू पर रखता है और एक चौकोर टुकड़ा काट कर स्त्री को देता है चखो कि अब यह हमारा है यह सब कुछ हमारा है स्त्री का क्षण क्षण आकार बदलता मांस पति के मांस के में नए सिरे से जड़ें ढूंढता है सूरज के टुकड़े करके खाए जाते हैं आदमी की आदिम भूख तुष्ट होकर गुर्राने लगती है सभी कुछ छोटा हो जाता है सभी कुछ ज्ञात आश्चर्य मर जाते हैं भय बिला जाते हैं तरबूज से लथपथ दो नंगे बदन मुंडेर पर आते हैं उजली हवा में थरथराते हैं ब्रह्म मुहूर्त के भीड़ जनसाधारण की पुतलियों में सरचराते हैं और कहते हैं अब यह सभी कुछ तो हमारा है।